Hello guys, welcome you to Kaira Classes. This is my third lecture of class 11th Biology, Chapter 4, Animal Kingdom. आज के वीडियो में हम escalmans, annelida, arthropoda and mollusca कवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं escalmans से. The body of the escalmans is circular in cross section, hence the name roundworms. Escalmans की जो body होती है, वो circular होती है. मतलब उनका जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन में वो सर्कुलर होती है उनकी बॉडी, इसलिए उनका नाम राउंडवर्म्स पड़ता है, या फिर राउंडवर्म्स इसलिए उन्हें कहते हैं. वो फ्री लिविंग हो सकते हैं एस्कालमंस, एक्वेटिक हो सकते हैं, पानी में रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड पे रह सकते हैं, या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं. प्लांट्स में प्लांट को होस्ट बना के उनमें रह सकते हैं, एनिमल्स को होस्ट बना के उनमें रह सकते हैं. राउंड वर्म्स के पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है. Escalmans bilaterally symmetrical होते हैं, that means जो right half और left half है वो एक दूसरे से identical होगा, bilaterally symmetrical होगा. Triploblastic, तीन germ layers, germinal layers present होंगी, okay? Ectoderm, mesoderm, endoderm और इनके अंदर क्या होता है, false coelom या false body cavity present होती है. Alimentary canal is complete. Alimentary canal जो होती है, या फिर जिसे हम esophagus कहते हैं, वो complete होता है, ठीक है? उसके अंदर मतलब एक तरह से अच्छा खासा डेवलप्ड मस्कुलर फारिंग्स होता है. एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होती है वो प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी में, जो कि क्या करती है, बॉडी के वेस्टेस को या वेस्ट मटेरियल को, सब्सटेंसेस को रिमूव करती है बॉडी कैविटी से. किसकी हेल्प से? एक्सक्रीटरी पोर की मदद से. सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब फीमेल जो है, फीमेल अलग होगी, मेल अलग होगा, तो सेक्सेस अलग हैं. मतलब एक ही इंडिविजुअल में, एक इंडिविजुअल में मेल मिलेगा, दूसरे इंडिविजुअल फीमेल होगा, ओके? तो सेक्सेस सेपरेट हैं, तो उस कंडीशन कहते हैं डायोशियस कंडीशन. मेल्स और फीमेल्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. फीमेल्स जो होती हैं वो मेल्स के रिगार्डिंग उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा होता है, तो फीमेल्स का बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा होता है मेल्स के अकॉर्डिंग. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है. डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, ओके? डायरेक्ट हुआ तो जो यंग वंस होते हैं वो बिल्कुल एडल्ट से रिजेंबल करते हैं, एकदम एडल्ट जैसे लगते हैं, या फिर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है. मतलब बहुत सारी लार्वल स्टेजेस के दौरान डेवलपमेंट होगा और वो क्या होगा, फिर डिस्टिंक्ट होगा एडल्ट से. एग्जाम्पल है एस्कारिस जिसे हम राउंड वर्म कहते हैं, वुचेरेरिया जिसे हम फिलेरियल वर्म कहते हैं, और एंसाइलोस्टोमा जिसे हम हुक वर्म कहते हैं. तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो राउंड वर्म की. राउंड वर्म में एस्कारिस दिखा रखा है, मेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली छोटा है एज कम्पेयर टू दी फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है हमारा एनिलिडा. दे मे बी एक्वेटिक, मरीन एंड फ्रेश वाटर इसमें मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड भी मिल सकते हैं, फ्री लिविंग है और कभी कभी पैरासिटिक होते हैं, होस्ट में मिलते हैं. इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है और सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, मतलब मेटामेयर्स में इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ठीक है? सेगमेंटेशन होता है इनकी बॉडी में, मेटामेयर्स में, मतलब जो सेगमेंट बना उसे मेटामेयर्स कहते हैं, ओके? तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है और इनमें ट्रू बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, मतलब ट्रू सीलोम, मतलब सीलोम इज प्रेजेंट बेसिकली, तो ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें सीलोमेट एनिमल्स कहा जाता है. इनकी जो बॉडी सरफेस होती है वो सेगमेंट्स में मार्क्ड होती है, ओके? जिन्हें कहते हैं मेटामेयर्स. और जब कोई बॉडी मेटामेयर्स में या सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है तो उन्हें हम उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामेरिज्म. तो इसलिए बॉडी जो है सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, मार्क्ड है, जिन्हें हम मेटामेयर्स कह रहे हैं, और इसीलिए जो फाइलम का नाम पड़ गया एनिलिडा. तो एनिलिडा में जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी क्या होगी, सेगमेंटेड होगी या फिर मेटामेयर्स में मार्क्ड होगी.
ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं इनके पास, जो कि हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स। एक्वेटिक एनलिड्स जैसे कि नीरीज, उसमें क्या होता है, लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैरापोडिया। और ये जो पैरापोडिया लेटरल अपेंडेजेस हैं जो कि नीरीज में प्रेजेंट है, विच इज एन एक्वेटिक एनलिड, वो हेल्प करता है स्विमिंग कराने में, मतलब स्विम कराने में हेल्प करता है। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, क्लोज्ड है। यहाँ पे इसका मतलब जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में इनक्लोज्ड होगा। नेफ्रीडिया क्या है, नेफ्रीडिया या सिंगुलर अगर मैं बोलूँ तो नेफ्रीडियम, ओके। ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, मतलब बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉडी फ्लूइड की जो मात्रा है ओके, उसको मेंटेन करके रखता है। और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, तो नेफ्रीडिया जो है, नेफ्रीडिया वो ऑर्गन है जो कि हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में ओके, बॉडी फ्लूइड और उसको ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में और एक्सक्रीशन करने में। न्यूरल सिस्टम की बात करूं तो न्यूरल सिस्टम, जैसे कि हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, ऐसे ही जो न्यूरल सिस्टम है इनका, उसमें गैंग्लिया होता है, पेयर्ड गैंग्लिया होता है, मतलब दो नंबर मिलेंगे आपको गैंग्लिया के। सिंगुलर अगर मैं बोलूं तो गैंग्लियन कहूंगी। और ये कनेक्टेड होते हैं, गैंग्लिया किससे कनेक्टेड होते हैं, लेटरल नर्व से कनेक्टेड होते हैं टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नीरीज एक एक्वेटिक फॉर्म है, डायोशियस है, सेक्सेस सेपरेट है, तो मेल अलग है फीमेल अलग है, लेकिन बट जो अर्थ वर्म्स हैं और लीचेस हैं ये मोनोशियस होते हैं। इसका मतलब मोनोशियस मतलब एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्सेस जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल मोड से होता है। एग्जाम्पल है इसके नीरीज, फेरिटेमा जिसे अर्थ वर्म कहते हैं, और हिरुडिनेरिया जिसे हम ब्लड सकिंग लीच कहते हैं। यहाँ पे आप इनकी डायग्राम देख सकते हैं। थर्ड है हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये सबसे बड़ा फाइलम होता है एनिमेलिया का, जिसके अंदर सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। इनका ऑर्गन सिस्टम होता है लेवल ऑर्गेनाइजेशन का, बॉडी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम का है ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, और ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। जो आर्थ्रोपोड्स के की बॉडी है वो एक उनका एक किससे कवर होती है, वो जो बॉडी है आर्थ्रोपोड्स की वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। काइटिनस मतलब काइटन जो है वो प्रेजेंट होता है ओके। तो इनकी जो बॉडी सरफेस पे वो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, और ये जो एक्सोस्केलेटन है ये काइटिन का बना होता है। बॉडी के अंदर होता हैड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो अगर मैं बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो बॉडी स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। आर्थ्रोपोडा के अपेंडेजेस जॉइंटेड होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, मतलब इसलिए इन्हें आर्थ्रोपोडा नाम रखा गया क्योंकि इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। आर्थ्रोस मतलब जॉइंट एंड पोडा मींस अपेंडेजेस, तो जॉइंट अपेंडेजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स भी हो सकते हैं आर्थ्रोपोडा में, बुक गिल्स भी हो सकते हैं, बुक लंग्स भी हो सकते हैं, या फिर ट्रेकल सिस्टम भी हो सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनमें वो ओपन टाइप होता है, इसका मतलब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में इनक्लोज नहीं होता, बट जो ब्लड है वो एक कैविटी में पम्प्ड होता है जिसे हम कहते हैं हीमोसील। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है इसमें, ओपन टाइप। सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, जो सेंस करने में, एनवायरमेंट को सेंस करने में हेल्प करते हैं, वो जो ऑर्गन्स हैं वो है एंटीना, आईज। आईज कंपाउंड भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, स्टैटोसिस्ट या फिर बैलेंस ऑर्गन्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं जो कि एक तरह से क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीशन जो है वो मैल्फीशियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, और ये ज्यादातर जो आर्थ्रोपोडा एनिमल्स हैं ये क्या होते हैं, ये डाइशियस होते हैं, इसका मतलब सेक्सेस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, ये ज्यादातर ओवीपैरस होते हैं, मतलब एग ले करते हैं, एग देते हैं, ओवीपैरस है ये। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल है इसके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स जो है, एपिस बॉम्बिक्स। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, तो लोकस्ट, एप बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं, इनमें सारे के सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है वो है मॉलस्का। मॉलस्का सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट जो था
वो था आपका आर्थ्रोपोडा, उसके बाद आता है मोलस्का, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्का जो होते हैं टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, लैंड पे मिल सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, एक्वेटिक में मरीन या फ्रेश वाटर। ओके, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, सीलोमेट एनिमल्स, टू बॉडी कैविटीज प्रेजेंट। बॉडी जो होती है इनकी वो किससे कवर होती है? कैल्केरियस शेल से कवर होती है, अनसेगमेंटेड होती है। और जो बॉडी है उसमें क्या होता है? हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है, और विसरल हम्प होता है, विसरल हम्प का हो या फिर विसरल मास का हो। ओके, अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल। सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर जो होती है स्किन की, वो मेंटल फॉर्म करती है विसरल हम्प के ओवर। इसका मतलब जो मेंटल होता है वो विसरल मास या विसरल हम्प को कवर करके रखता है मेंटल, और क्या सिक्रीट करता है? शेल को सिक्रीट करता है। विसरल मास और विसरल हम का फंक्शन ये होता है कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सबको क्या करता है? होल्ड करके रखता है। सो मेंटल क्या करता है? मेंटल कवर्स द विसरल मास और विसरल हम इवेंट्स। विसरल हम भी कह सकते हो, विसरल मास भी कह सकते हो। मेंटल उसको कवर करके रखता है और क्या करता है? शेल को सिक्रीट करता है। और विसरल हम का क्या फंक्शन है कि वो जो भी सिस्टम्स हैं, ओके, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, तो उनको क्या करता है वो, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सबको होल्ड करके रखता है विसरल हम्प। जो स्पेस होता है हम्प और मेंटल के बीच में, उसे हम कहते हैं मेंटल कैविटी, जिसमें क्या होते हैं फेदर लाइक गिल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। तो मॉलस्क के अंदर रेस्पिरेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है। अब जो मॉलस्क का बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसकी बात करते हैं। जो एंटीरियर हेड है, जो एंटीरियर हेड रीजन होता है मॉलस्क का, उसके अंदर होते हैं सेंसरी टेंटिकल्स। मतलब टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, ओके, और ये जो टेंटिकल्स होते हैं ये सेंसरी होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये एक तरह से एनवायरमेंट को डिटेक्ट करते हैं, सेंस करते हैं एनवायरमेंट को। माउथ के अंदर क्या होता है? माउथ के अंदर एक फाइल जैसा रेस्पिंग ऑर्गन होता है, जिस जो के फीडिंग के तौर पे यूज होता है, फीड करने के लिए यूज किया जाता है, जिसे हम रेडुला कहते हैं। तो फीडिंग के लिए या फीडिंग करने के लिए माउथ के अंदर क्या होता है? एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, जिसे रेडुला कहते हैं। मॉलस्क क्या होते हैं? डायोशियस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो सेक्सेस हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। ओविपेरस है, एग लेइंग है ये एनिमल्स विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो एग लेइंग है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स है, पाइला एंड ऑक्टोपस। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो पाइला का और ऑक्टोपस का, जो कि किसके एग्जाम्पल्स है? मॉलस्क के। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।